Done. Now go for seal number 3. Before going to start the second stage tightening, we have to tighten the bolt with the help of manually. Three number. Now go for 4 number. This is your 4 number, right? Now 5 number. What is 5 number? 5. ऐसे करने से क्या होगा? आपका जो गैप है, सेंटर में जो गैप होगा, वो भाग की तरफ कम होता जाएगा. हालांकि गैप निकल जाएगा. इसलिए we need to go outer from the inner side. इसको हटाओ यहाँ से, इसको पॉम्प फोल्ड करो. हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया था अभी यहाँ पे, सबसे पहले बोल्ट इंसर्ट किया, ठीक है. बोल्ट इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, हल्का सा हाथ से जैसे मिला रहे वैसे मिला दिया, ठीक है. उसके बाद नंबरिंग करना है 1 2 3 4 डायगनली, ठीक है. आफ्टर दैट उसको स्पैनर से टाइट करना है, जैसे अभी आप कर रहे हो हैंड टाइटनिंग. इसको बोलते हैं हैंड टाइटनिंग और वी कैन से स्नग टाइटनिंग, ठीक है. चलो, कौन सा नंबर पर गए हम? 8 नंबर पे. ओके, पहले हाथ से, पहले इसको हाथ से जितना अंदर अंदर लेके जाना है, उसके बाद स्पैनर से टाइट करना है. हाँ, ऐसे तो वी आर परफॉर्मिंग स्नग टाइटनिंग ओवर हेयर. The bolt size is M24 TBS. Okay. This is the LS joint of R segment at buckle side. आप चेक करो, आप चेक करो, मैं मशीन का साउंड आएगा ना, मैं चेक कर लूंगा वहीं से. दिस इज सेकंड लास्ट नंबर, 11 नंबर. डन. सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने क्या किया, सबसे पहले प्लेट लगाया, ठीक है. अब हमें गैप चेक करना है, हैंड टाइटनिंग हो गया. अब हमें गैप चेक करना है सप्लाई प्लेट में. अब सप्लाई प्लेट में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड स्टेज टाइटनिंग, वी हैव टू मेंशन दैट देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द सप्लाई प्लेट, ठीक है. सप्लाई प्लेट है आपका, कोई गैप नहीं है यहाँ पे, इधर कोई गैप नहीं है, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए. वेट,
ये बहुत ही अपना माइनर गैप है, एक से दो नंबर गैप होगा, जो कि हम सेकंड स्टेज टाइटनिंग में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 75 स्टेज टाइटनिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 24 का बोल्ट है, तो इसका टॉर्क जो गिवन है वो कितना है आप बताइए, 400 न्यूटन मीटर। तो हमें 400 न्यूटन मीटर सेट करना है मशीन पे। अभी आप लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हो, हाइड्रोलिक पंप। तो अभी को पंप किधर रखा रखा हुआ, पंप ये है, वेट ये आपका टूल हो गया। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोलिक टूल। हाँ, तो अपना टूल वगैरह मुझे चार्ट दिखाओ, टूल में आपके एक चार्ट लगा हुआ है, दिस इज योर चार्ट। ओके, ये ट्राइटॉक का मशीन है ना, तो ये है, दिस इज बार मोटोमीटर, ये वाला, ये आपका फुट पाउंड में। ठीक है, तो हमें चाहिए 400 न्यूटन मीटर ना, राइट। तो यहाँ पर 601 न्यूटन मीटर है, तो हमें 400 चाहिए, कैसे करोगे? आप ये भी कर सकते हो कि 601 न्यूटन मीटर इज इक्वलेंट टू ये वाला 100 बार, देन 400 न्यूटन मीटर कितना बार का बराबर होगा, वो होगा 75 बार का बराबर। ठीक है, तो आप 75 बार पे प्रेशर सेट करो मेरे सामने, सेकंड से टाइपिंग के लिए। ये हमारा जॉइंट था, ये वाला जीरो कर गए सर, आप पहले जीरो कर दो उसको। ठीक, इसको मैं बैग उठा दो, यहाँ पे ये हमारा प्रेशर गेज है, पीएसआई में भी ये बार मिली है, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट 75 बार प्रेशर कितना हुआ 75। वन डिजिट कितना है, एक डिजिट कितने का है, वन डिजिट 20 बार का हमारा एक डिजिट है, राइट। 75 बार ये 100, ठीक है, सेट कर दिया। अब ये वाला टूल आप लगाओगे सामने, ठीक है, सिक्वेंसली नंबरिंग वाइज। लगाया आपने एक नंबर पर ना, हाँ। तो आप पीछे से अपना स्पैनर, आप हेड पे स्पैनर लगाओ ताकि हमारा पूरा असेंबली ना घूमे, राइट। जैसे ही 75 ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो ये आपका जो ये सॉकेट है ये वाला, ये बैग मार लेगा, ये आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, देखो आगे नहीं जा रहा हो। नाउ सेकंड नंबर,
थर्ड नंबर वही नंबर सेकंड नंबर अभी अभी ओके डन तीन नंबर ओके डन फोर नंबर सेकेंड स्टेज टेंडिंग इज गोइंग ऑन फॉर एलएस जॉइंट ऑफ आर्च स्पैन नंबर 9 सो चार बोर्ड हो गया ना ओके एक काम करो डू वन थिंग इन चारों में 90 मार्क करो आप क्योंकि अभी टोटल वी आर हैविंग 12 नंबर बोल्ट सो टिल वी हैव टाइटेंड फोर नंबर बोल्ट फॉर सेकंड स्टेज टाइटनिंग ठीक है अब आप 90 मार्क करो वेट वन दिस इज टू ये अपना दिस इज थ्री दिस इज फोर ओके फोर नंबर हाँ तो सबसे पहले जब सेकंड स्टेज टाइटनिंग हो जाएगा ना आप पहले इसमें टिक मारो नहीं यहाँ पर टिक टिक मार दो इसको टिक मारो हेड हाँ यहाँ पे दिस डन दिस मीन सेकंड स्टेज टाइटनिंग सेंट्रल टाइटनिंग हो गया हमारा ठीक है नाउ वी विल स्टार्ट 90 डिग्री रोटेशन एज पर मैन्युफैक्चरर चलो ठीक है 90 डिग्री मार्क करो व्हाइट मार्कर व्हाइट मार्कर ठीक है चलो ओके नाइंटी मार्क करो ऐसे मार्क करो नाइंटी मार्क करो नाइंटी मार्क कैसे करोगे आप सिंपल है देखो ये वाला क्या है ये क्या है ये 120 है ये 60 आपका 60 है क्योंकि ये हमारा हेक्सागनल है या दिस इज 30 तो पहले यहाँ मार्क करो आप सिंपल बाबा काफी वन टिक काफी है ठीक ओके फिर इस पे भी करना पड़ेगा ना प्लेट पे नहीं यहाँ पे बोल्ट बोल्ट भी करना है प्लेट पे भी नहीं करना ऐसे बोल रहा आपको सामने बोल तुम बनाओ आपका बोल ठीक है ये मेरा बोल ये हाथ का ये वाला बोल यहाँ से ले लिए सेंटर से ठीक है दिस इज 30 इस पे मत मारिए इस पे नहीं करूँगा मैं ये आपका इसके बराबर आ गया ठीक 90 ऑलमोस्ट 90 सो अब जब हम 90 करेंगे तो क्या होना चाहिए बोल्ट दिस लाइन नट घूम के आना चाहिए दिस लाइन शुड बी कम हेयर इसका बराबर आना चाहिए ये लाइन जो है इसका बराबर आना चाहिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट 60 है ये 30 है 90 हो गया 90 में मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली बोल्ट के बॉटम पोर्शन में और ये लाइन है जो कि नट के बराबर है अब ये लाइन यहाँ आना चाहिए 90 करने के बाद ठीक है तभी हम बोलेंगे 90 हो चुका है तो अब 90 करने के लिए आपको कितना टॉर्क देना है ये कहीं नहीं दिया हुआ मैन्युफैक्चर ने बोला है कि आपको 90 करना है सिर्फ ठीक है तो हमने अभी तक हमने बहुत सारा बोल्ट टाइट किया है जनाब में आर्च का 24 का बोल्ट तो हमने हिडन ट्रायल मेथड से ये आइडिया लगाया कि 24 का बोल्ट वो भी टीवीएस का जो कि टाइट होता है 90 के लिए उसका टॉर्क वैल्यू होता है 900 to 1000 न्यूटन मीटर 900 to 1000 न्यूटन मीटर 90 डिग्री हो जाता है हमारा 24 का बोल्ट ये हमने कहाँ से लगाया आइडिया ठीक है ठीक है ट्राई मेथड से ठीक है तो
perform up 90 degrees. So now we are going to perform 90 degree rotation for all these 4 bolt. Okay. Now we will provide 900 Newton meter torque value for make this angle 90 degree. Okay. चलो अब आप मशीन किधर है मुझे वो दिखाओ टूल दिखाओ सो 900 न्यूटन मीटर जो कि 90 डिग्री होता है दिस इज 993 ना 903 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 150 बार हाँ तो आप 150 बार पे प्रेशर सेट करो 90 डिग्री करने के लिए सेंटर में आएगा सेंटर में 150 हाँ ओके 150 बार सेट हो गया ठीक है पैसे ठीक है डन पहले 90 मार्क्स समय करो इसमें भी करो इसमें भी इसमें भी 90 मार्क करो अभी एक में 90 मार्क किया ना अभी इसमें 90 मार्क किया हमने इसमें 90 मार्क और अच्छे अच्छे समय करना हाँ ऐसे राइट इसके बराबर यस हाँ अब नीचे करो बस सिंगल हाँ नीचे सीधा सेंटर पे पहले पहले सेंटर में करना होता है ठीक है चलो ओके डन वन नंबर डबल मार्क ही नहीं करना हमने सिंगल ऐसे हाँ एक ही बार में ड्रॉ करना है लाइन को 90 डन 90 मार्क हो गया 90 मार्क हो गया 90 मार्क ना हो गया वन टू थ्री फोर 90 मार्क के लिए रेडी है चलो आप 90 मार्क करो वन नंबर छोड़िएगा हाँ दबाए अरे ये चलो बैठ 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 चलो यार एक नंबर वन नंबर बोल्ट 90 डिग्री रोटेशन अब देखते हैं वो 90 वाला मार्क उस 90 पे गया कि नहीं गया ठीक है ये इसको नहीं होगा तो हाँ